नमस्कार, जी हिंदुस्तान ई विमर्श में आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में हम बात करेंगे उन तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ और जानेंगे किस तरीके की आगे की प्लानिंग है। और इस सेशन में हमारे साथ ई विमर्श के जुड़ रहे हैं केंद्रीय राज्य मंत्री संजय श्याम राव धोत्रे जी। इनके विभागों के बारे में आपको मैं जानकारी दूं तो इनके पास मानव संसाधन विकास बतौर राज्य मंत्री कार्यरत है, संचार राज्य मंत्री और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी तकनीक राज्य मंत्री ये कार्यरत हैं केंद्र में। बहुत स्वागत है संजय जी आपका ई विमर्श के सेशन में। नमस्कार। चूंकि अभी तक हमने 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त जो है वो लॉकडाउन में बिताया है और विभिन्न देशों में जिस तरीके के हालात हैं हमारे देश में वो हालात नहीं है क्योंकि वक्त रहते लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया। अब हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़ चले हैं, ऐसे में अब कोरोना काल से निपटने के लिए तैयारी हमारी और दुरुस्त होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस दिशा में क्या नई और बड़ी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ेगा, किस तरीके की तैयारी उन मुसीबतों से उन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपके विभाग के पास है, क्या तैयारी आप लोगों के पास? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, जैसा कि हम देखते पिछले करीब करीब 70 दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका या करीब करीब जो यूरोपियन कंट्रीज है, ऐसे जो टॉप के जो 10 कंट्रीज थे जिनकी करीब करीब 142 करोड़ जिनकी आबादी है, उसमें आज हम लोग देखते हैं कि करीब करीब 50 लाख से भी ज़्यादा पॉजिटिव उनके पेशेंट है। जो कुछ भी दुनिया में जो डेथ हुई उसमें 3 लाख से ज़्यादा डेथ, 3 या 3.25 लाख से ज़्यादा डेथ उनके यहाँ हुई, तो आखिरी कोई पॉजिटिव होना, डेथ होना, एक भी व्यक्ति की जान जाती है तो वो भी कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन पूरे दुनिया को अगर देखा जाए, क्योंकि वो लोग सभी तरह से वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी या उनका जो आर्थिक विकास हुआ है वो हिसाब से हमारे से कई आगे है, लेकिन इस बारे में प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे जो प्रशासन जो है, अलग अलग स्टेट के मुख्यमंत्री भी जो है, उन्होंने जो भी काम किया और हम उसमें अच्छी तरह से कामयाब हुए, इसलिए मैं सारी जनता को भी बधाई देता हूं। सब लोगों ने इसमें सहयोग किया। आप जिसको अनलॉकडाउन 1 जिसको बोल रहे हैं सब लोग जी, तो उसमें कई रिलैक्सेशन देने की बात की हुई है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है, अब इसमें एक बहुत अच्छी बात हुई कि हमारा जो किसान है, खास करके कृषि में जो काम चलते हैं, उसको पहले से अलग रखा गया, क्योंकि फूड चेन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए खेती के काम वगैरह बहुत सारे शुरू थे। हमारी कई जगह जो छोटी छोटी मंडियां है कंटेनमेंट जोन छोड़ के, उसके भी काम चालू थे। हमारे जो कृषि सेवा केंद्र है, खाद सीड बेचने वाले, इंसेक्टिसाइड बेचने वाले, वो दुकानें भी शुरू थी, तो इससे कृषि ज्यादा प्रभावित नहीं हुई। लेकिन बाकी चीजें भी अभी जरूरी है, जैसा कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, व्यापार है, तो इसमें धीरे धीरे ढील देने की जो बात हो रही, अब इसमें हमको बहुत बड़ी सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि करीब करीब 2 महीने से लोग घर में बैठे सेवा, जैसा हॉस्पिटल या मेडिकल शॉप या सब्जी की वगैरह छोटी छोटी दुकानें, इनको छोड़ के बाकी सब करीब करीब पाबंदी थी। तो मुझे ऐसा लगता कि अब कुछ कुछ जगह ऐसा हो रहा, राज्य सरकारें बोल रही कि हम मंदिर खोल देंगे, होटल्स खोल देंगे, हमारे जो पार्क्स है उनको खोल देंगे, तो मुझे ऐसा लगता कि ये अगर एकदम सब अगर ओपन हो गया तो खास करके जो बड़े शहर है उसमें लोग एकदम जो 2 महीने से घर में बैठे हुए वो सभी बाहर निकलेंगे और एक नई तरह की समस्या इसमें आ सकती, फिर से हमारा इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता। तो मुझे ऐसा लगता कि इसमें जो सरकार है, खास करके राज्य सरकारें और जो स्थानिक प्रशासन है जी, उनको बहुत सावधानी बरतना होगा, और हमारी जो जनता है मुझे लगता कि उसने अभी तक बहुत सहयोग किया और अब बहुत सारे लोग कोरोना के साथ किस तरह से जीना, इससे खुद का बचाव कैसा करना, इसमें उनको बहुत सारी बातें जो है वो मालूम है। सब लोग हम देखते कि सब लोग मास्क लगाते, जो आपस में जो दूरी रखना चाहिए वो दूरी भी वो रख रहे, लेकिन फिर भी इसमें और ज्यादा सावधानता बरतने की इसमें जरूरत है।
बिल्कुल संजय जी, आपने जिक्र किया तमाम मेट्रो सिटीज का भी कि किस तरीके के हालात इस वक्त वहां पे हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए, आपका गृह राज्य है, वहां पे स्थिति बहुत खराब है, बहुत ज्यादा तेजी से कोरोना वहां पर पैर पसारता नजर आया है। ऐसे में जब हम अनलॉक वन की बात करते हैं और तमाम रियायतें भी दी गई हैं, बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य तक अब जो लोग हैं वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, अनुमति भी दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, तो अगर इन राज्यों में लोग जाते हैं, अगर कोरोना संदिग्ध होते हैं वो, सिम्टोमेटिक होते हैं वो, तो इसको कैसे आप निपट पाएंगे इससे? चूंकि इन दिनों तो कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर कोई सिम्टम्स ही नजर नहीं आते हैं, कोई संदिग्ध नजर नहीं आता, लेकिन जब टेस्ट होता है तो रिपोर्ट उसके पॉजिटिव आते हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए तो ये और चैलेंजिंग फेज होगा। हाँ, इसमें हमने एक देखा कि करीब करीब 80% से ज्यादा लोग जो है उनको किसी भी तरह के कोई लक्षण, कोई सिम्टम्स, कोई तकलीफ उनमें देखी नहीं जाती, और ये एक अच्छी बात भी है और इससे समस्या भी पैदा होती, क्योंकि वो जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं होता, उसको खुद को भी पता नहीं रहता, और उसको जब तक कुछ सिम्टम्स आते तब तक वो कैरियर बने रहता, वो खुद भी कोई सावधानी नहीं बरतता और कई लोगों को पॉजिटिव करके छोड़ता, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत इसमें है। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि एकदम सबका सब जो है पूरी तरह से सब छूट देना, तो इससे बहुत ज्यादा समस्या बढ़ सकती, तो इसलिए इसको बिल्कुल फेज्ड मैनर में, क्योंकि कोई भी रियायत हम जब देते, कोई भी हम छूट इसमें देते, रिलैक्सेशन देते, उसको फिर से वापस लेना ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता, क्योंकि हमारी जो जनता है, मैंने शुरुआत में कहा कि लोग करीब करीब 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं और आज कुछ खोल देंगे और कल फिर से बंद कर देंगे, तो थोड़ा सा लोगों का सहयोग उसमें मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से लोगों को राहत देते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, तस्वीरें बहुत राहत देने वाली नहीं थी, जिस तरीके से लोग दम तोड़ते नजर आए और वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अब जब अनलॉक वन अनाउंस हुआ है तो फिर 100 चुनिंदा रूट जहां पे 200 ट्रेनें तकरीबन चलाई जाएंगी उसकी भी इजाजत दे दी गई। कई तस्वीरें ये भी हमें देखने को मिली कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट हो गया, हो हंगामा किया खूब जो लोग उसमें सवार थे उन यात्रियों ने भी, तो इस तरीके की सिचुएशंस आगे ना आए, इन परिस्थितियों से सीख लेते हुए किस दिशा में काम कर रहे हैं, क्या नई योजनाएं बनाई गई हैं? मुझे ऐसा लगता कि इसमें एक दूसरे राज्य के साथ में या केंद्र का राज्य का जो समन्वय है उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी होना चाहिए और थोड़ा सा इनका जो कोऑर्डिनेशन है, सहयोग है, वो भी बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसी शिकायतें आती कि मुझे बॉर्डर पे तो किसी ने रोका नहीं स्टेट के, लेकिन अंदर जाने के बाद में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमको जाने नहीं दे रहा, तो इस तरह का जो है इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती और इसके कारण वो जो प्रशासन है उसका भी वर्कलोड बढ़ जाता, उसका टेंशन बढ़ जाता, लोगों की समस्याएं बढ़ जाती, क्योंकि आज वो कहीं पे फंसा है वहां पे तो उसको समस्या है, लेकिन वो बीच में अगर कहीं फंस जाता तो उसकी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती, तो मुझे ऐसा लगता कि इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी आना जरूरी है, थोड़ा सा जो कोई भी जा रहा उसने भी थोड़ा सा उसको क्लियर करके, क्योंकि कई लोग ये सोचते कि मैं यहां से 10 जगह अगर उसको चेक करने जा रहा तो एक जगह से वो निकल जाता और बीच में कहीं फंस जाता, तो उसने भी थोड़ा सा उसमें क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं जहां पे जा रहा मुझे जो पास मिला उसमें वो लिखा हुआ है कि नहीं है, या कुछ कुछ लोग बगैर पास के निकल जाते। देखिए लॉकडाउन में सबसे बड़ी अगर समस्या हमारे है सामने तो वो है अर्थव्यवस्था की, जिसे लेकर के आर्थिक पैकेज भी अनाउंस किया गया और आत्मनिर्भर बनाने की भी बात कही गई है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लेकिन इस वक्त की बात करें मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल करना होगा आपको भी, इसको लेकर के क्या एक्शन प्लान तैयार किए गए हैं ताकि आत्मनिर्भर भी बन सके और अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त कर सके इस देश की? देखिए ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ जी, इसमें करीब करीब मुझे ऐसा लगता कि सभी के लिए ये पैकेज है। अब हमने कई बार देखा कि कोई पैकेज, कोई जो स्कीम है, कोई योजना है, उसमें कई बार ये हो जाता कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा एक रोल उसका रहता, तो इसमें कई जो एजेंसीज बीच में आती, कई स्टेक होल्डर बीच में आते, तो उसमें भी थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेशन बराबर बना, उसकी क्लैरिटी अगर रही, तो इसका एक सफल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता और हम जो एंड टू एंड डिलीवरी जो बोलते हैं कि आखिरी जो व्यक्ति है उसका जो
इलिजिबल जो बेनिफिशियरी है वहां तक वो पहुंचना, तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारी, ये तो इकोनॉमिक पैकेज है तो इसमें बैंक्स का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, कई इसमें संगठन जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो इसके लिए आपने जो कहा कि हमारा जो मानव संसाधन है इसका एक बहुत अहम भूमिका इसमें है, और इसको बेहतर बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए पूरी तरह से हम लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, हमारे जो जीवन शैली है, जो कार्य प्रणाली है हमारी, वो बहुत बदली है। जो हमारा वर्किंग कल्चर है ये भी बदला है, वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम शुरू हो गया है और लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र को और दुरुस्त करने की जरूरत है। क्या कुछ सुझाव या प्रस्ताव आपके पास अभी तक आए हैं इसको लेकर? अभी हमारे सामने ऐसी असामान्य परिस्थिति खड़ी हुई कि इसमें हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस है, जितने भी हमारे संचार के माध्यम थे, वो करीब करीब, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट होगा, वो सभी बंद हुआ था। सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन इसमें चल रहा था, वो था हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन। तो अब इसकी आवश्यकता जो है, खास करके हमारा शिक्षा का क्षेत्र होगा या जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें, अब पहले जो अभी तक जो चेंज कई सालों में नहीं हुए, मुझे ऐसा लगता कि कुछ महीनों में वो बदलाव हमने स्वीकार किए। और इसका जो आप जो बोल रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो उसकी तैयारी तो हम कई सालों से कर रहे थे, लेकिन अब उसको और तेजी से करना पड़ेगा। जैसा कि पिछले 6 सालों में जो हमारे पास में जितने भी हमारे ये 6 लाख हमारे BTS थे, वो 22 लाख हो गए। हमारे कई ऐसे गांव है, जैसा हमारा भारत नेट का प्रोजेक्ट है, उसमें हमने कई जगह हम करीब करीब 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उसको हम फाइबर ऑप्टिक से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अभी तक हमने ग्राम पंचायत का सोचा था, अब वहां पे हर घर में ऑप्टिक फाइबर या वाईफाई के द्वारा ये हम कैसा पहुंचाए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कैसा पहुंचाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाद में हमने शिक्षा के लिए, जैसा अभी तक हमारा ये स्कूल एजुकेशन के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म है, बाद में हायर एजुकेशन के लिए हमने स्वयं के ऑनलाइन जो कोर्सेस है वो किए, और बाद में हमने जो हमारी अव्वल जो हमारी 100 हमारी जो यूनिवर्सिटीज है टॉप 100, उसको हम उनके जो ऑनलाइन कोर्सेस है उसको भी हमने मान्यता दे दी है। अब वो अपने ऑनलाइन कोर्सेस से हमारे विद्यार्थियों को वो डिग्री भी दे सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इन सबों से भी आप जुड़े रहे हैं, इसमें भी आपने काम किया है, लोकसभा में इन दोनों क्षेत्रों के लिए जो समिति बनी है उसके सदस्य भी हैं, तो इस वक्त कोरोना काल में कितनी बड़ी नुकसान आप उस क्षेत्र में देखते हैं और उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, इसके लिए भी आपने क्या सुझाव दिए हैं? समिति के सामने कुछ रखा है प्रस्ताव या फिर उनकी तरफ से कुछ पक्ष रखे गए हों? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे जो गांव है, दूर दराज के जो क्षेत्र है हमारे जी, वो प्रभावित तो सारा देश हुआ, सारी दुनिया हुई, लेकिन इस जो महामारी है, महामारी से वो लोग, उसका प्रादुर्भाव वहां पे नहीं हुआ। बाकी जो है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक जैसा पानी जो है वो परकोलेट होता, उसी तरह हमारे इकोनॉमी का है, सभी चीजों का है, तो उसका तो असर गांव के ऊपर निश्चित हुआ, क्योंकि हमारे कई जो फल है, सब्जी है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो मार्केट में नहीं आता था, उसके खेत में वो सड़ गया, उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता कि अब ये पोस्ट कोविड जो है, तो इसमें कुछ अच्छी चीजें भी गांव में होंगी। छोटे छोटे जो हमारे जो कुछ उद्योग है वो गांव में लग सकते, जिस तरह मैंने कहा कि आप गांव में रह के भी कुछ छोटे व्यवसाय चला सकते, छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल यूनिट है वो गांव में लग सकते। तो मुझे ऐसा लगता है हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और अभी हम सिर्फ प्लानिंग कर सकते, क्योंकि जिस तरह से कोई हम एक आधा मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें जितने अननोन फैक्टर होंगे उतना वो गणित आसान रहता, उसी तरह से अब ये कब तक रहेगा ये कोई नहीं बता सकता, और ये सबसे बड़ा अननोन फैक्टर इसमें है। इसके कारण हम आज जो प्लानिंग कर रहे हैं ये सोच के कर रहे हैं कि भाई 2 महीने के बाद सामान्य होंगी हालत, 4 महीने के बाद होंगी, तो इस तरह इसके लिए अलग अलग मॉडल है।
लेकिन निश्चित मुझे ऐसा लगता कि ये जो बहुत बड़ा संकट जो है उसमें कई अपॉर्चुनिटीज हमको निश्चित ही दिख रही। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका ई विमर्श के सेशन में जुड़ने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।